हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डाई कास्टिंग होता है उसमें जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है या फिर बर्निंग के दौरान उसके अंदर क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो आज हम डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब ये डाई है, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है, ये ठीक है। अब ये तो मुझे पता ही, आपको पता है कि गूसनेक, पिस्टन, ये पॉट है जिसके अंदर ये सब मटेरियल जो भी होगा हमारा, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। अब ये पिस्टन के थ्रू इसके अंदर जाएगा, ये मेल्ट होके इसके अंदर जाएगा, ओके, अंदर जाके फिर इसको जाएगा, फिर इसको पिस्टन हैमर करेगा और ये अंदर इसमें फिलअप हो जाएगा और हमारा इम्प्रेशन तैयार हो जाएगा। अब इसके दौरान सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट आज देखेंगे। सबसे पहला डिफेक्ट होगा फ्लैश। अब फ्लैश क्यों आता है, क्या होता है दोस्तों, जब भी जो हमारा डाई होता है, डाई के अंदर अगर थोड़ा सा क्लैंप, जो क्लैंपिंग फोर्स है कम ज़्यादा हुआ, ठीक है, थोड़ी सी अगर स्पेस छूट गई, ठीक है, तो इससे इसके अंदर फ्लैश प्रोड्यूस होते हैं। अब सपोज हमारा कंपोनेंट है, इस तरह का कंपोनेंट है, अभी आसपास इसके फ्लैश बन जाते हैं, ठीक है। फ्लैश मतलब एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो निकल जाता है बाहर, तो इसको हमको बाद में ट्रिमिंग करना पड़ता है। तो एक तरह से ये डिफेक्ट है, हमारा जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, ओके। तो ये बढ़ने के कारण दिक्कत होती है, तो इसको हमको फिर ट्रिम करके हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो हमको निकालना पड़ता है। अब उसके बाद एक और है अनफिल्ड सेक्शन, ओके। अब अनफिल्ड सेक्शन क्यों होता है कि जो हमने मेटल हमको पोर करना है, सपोज हमको मेटल पोर करना है, इसका वॉल्यूम है, सपोज इसका 30 वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारा इम्प्रेशन है उसका वॉल्यूम 30 है और हमको मेटल इसमें डालना है। और अगर हमने 30 वॉल्यूम का ही अगर हमने पिस्टन इसके ऊपर हैमर किया, मारा है, ठीक है, तो इसके अंदर 30 वॉल्यूम ही जाएगा, ठीक है। सपोज थोड़ा सा अगर मान लो ये 29 फील करता है तो 1 अनफील्ड रह जाएगा। अगर अनफील्ड रह गया तो इसका कंपोनेंट का शेप या तो इधर से कम हो जाएगा, ओके, या तो इधर से कम हो जाएगा, मतलब वो कम भराएगा, ओके, कम भराएगा, तो उससे अनफील्ड सेक्शन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो हमारे इंप्रेशन के अंदर जो मेटल है वो कम भराएगा, उससे हमारा जो भी कंपोनेंट रहेगा वो पूरा नहीं बनेगा, ओके। तो ये वाला एक डिफेक्ट होता है। तो उससे इसके लिए क्या करना पड़ता है, सपोज कि हमको वॉल्यूम 30 तक भरना है, तो इसके लिए हम पिस्टन का जो वॉल्यूम रहेगा, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहेगा, इसको हम करीब 35 या फिर 40 लेंगे ताकि ये पूरा फिल हो जाए। बाहर बाहर तक अगर मेटल आता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा हमारा जो है वो फिल होना चाहिए, ओके। अब तीसरा है बबल। अब दोस्तों बबल क्यों प्रोड्यूस होते हैं, अब बबल प्रोड्यूस होने का कारण एक और है कि बबल प्रोड्यूस इसलिए होता है कि जो भी हमारा जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है या तो वो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होती है हमारे, जब अंदर जब भरा जाता है इम्प्रेशन के अंदर, तो उसके अंदर से गैस प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर से बबल प्रोड्यूस हो जाते हैं। सपोज हमारा ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट के अंदर इस तरह से कुछ गड्ढे बन जाते हैं, ओके। तो ये गड्ढे इस तरह से बन जाते हैं, कभी आपने देखा हो किसी कंपोनेंट के अंदर छोटे मोटे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, ओके। तो इस कारण ये बबल बनते हैं, क्योंकि इसमें कूलिंग रेट या तो कम या ज्यादा रहती है, एक्यूरेट कूलिंग नहीं होती, इस कारण से ये बबल बनते हैं। हॉट टियरिंग, हॉट टियरिंग दोस्तों क्या होता है कि सपोज हमने जो हमारा मेटल है वो 400 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेल्ट होना है, अब हमने इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा देने के कारण, टेम्परेचर ज्यादा देने के कारण जो भी हमारा मेटल है वो डिजायर टाइम पे कूल हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन है, सपोज कुछ पोर्शन फिर भी उसका कुछ बचा रह गया, ठीक है, और वो मेल्ट ही रहा, ठीक है, तो मेल्ट रहा तो ये वापस निकल जाएगा और इसमें कुछ तरह से इस तरह से थोड़ा क्रैक प्रोड्यूस हो जाएगा, टियर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से डिफेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये हो गया हॉट टियरिंग। अब इजेक्टर मार्क्स, सपोज कूलिंग का जो टाइम है, हमने वो बाय डिफेक्ट, मतलब हमने इसको कम रखा है, ठीक है, कूलिंग का टाइम अगर हमने कम रखा है या फिर कुछ भी हमने कम या ज़्यादा रखा है कूलिंग का टाइम, तो और मेटल पूरी तरह से जो है वो कूल नहीं हुआ, ओके, ठंडा नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, तो जब हम इजेक्टर इसके ऊपर मारेंगे इसको बाहर करने के लिए, तो इसके ऊपर एक मार्क प्रोड्यूस कर देगा। अब सपोज ये हमारा कंपोनेंट है, ओके, ये हमारा कंपोनेंट है, तो जब भी इजेक्टर इसके ऊपर पड़ेगा तो इस तरह से कुछ मार्क्स इसके ऊपर पड़ जाएंगे,
ठीक है, तो ये मार्क्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। इससे क्या हो जाए, हमारा कंपोनेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर इसमें से कोई एक भी डिफेक्ट अगर इसमें से कोई भी प्रोड्यूस होता है तो जो हमारे कंपोनेंट का रिजेक्शन का हमारा कंपोनेंट का रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी डिफेक्ट होते हैं इनको हमेशा ध्यान में रख के हम हमारे डाई का डिजाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था डिफेक्ट की जो पॉसिबल डिफेक्ट कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पॉसिबल डिफेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इनके लिए हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, ओके, जिससे ये डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। ओके, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।